हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजू टेक्निकल फास्ट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के सामने हम एक नया कॉन्सेप्ट के साथ सिविल इंजीनियरिंग के लेकर हाजिर हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि यूसीआर वाल में या एंड रवल मैसनरी को संग पॉइंटिंग कैसे करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रबल रबल मैसनरी करते हैं। रबल मैसनरी करने के बाद इसको हम लोग इसको 10 mm तक खाली करते हैं। 10 mm यूसीआर वाल का मैसनरी करते हैं, यूसीआर मैसनरी। उसके बाद हम लोग 10 mm तक इसको मोटार को निकाल देते हैं। 10 mm मोटार निकालने के बाद इसको हम लोग प्रॉपर रूप से क्लीन करते हैं। फिर सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं किया हुआ है पेस्ट। इसको फिर हम लोग 5 mm डीप छोड़कर बाकी सब गैप को हम लोग फिल करके बराबर लेवल कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इधर लेवल किया गया है। इस प्रकार से हम लोग संग पॉइंटिंग करते हैं रबल मैसनरी को, स्टोन मैसनरी को। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, इधर भी हम लोग पूरा ये पूरा मोटार निकाल दिए, मोटार 10-15 mm निकाले हैं। फिर इसको हम लोग 5 mm छोड़ के बाकी सब गैप को फिल कर देंगे। फिल तो इस प्रकार से संग पॉइंटिंग होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इस प्रकार से हम लोग इसको फिल करते हैं पूरा संग पॉइंटिंग के लिए, पूरा क्लीन करते हैं। फिर हम लोग ब्रश से, जैसे बता आपको मालूम होगा, इससे हम लोग ये मोटार बनाए हैं, मोटार बनाए हम लोग केवल सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद इसको हम लोग इस प्रकार से लेते हैं। फिर इस प्रकार से इसको हम लोग फिल करते हैं, इस प्रकार से फिल करते हैं। फिल करने के बाद इस प्रकार से हम लोग पहले डिवाइस बनाते हैं पॉइंटिंग करने को, और इससे हम लोग मोटार लेते हैं, सीमेंट का पेस्ट उठाते हैं इससे, और उसके बाद इसको हम लोग फिल करते हैं। जो भी गैप है ना, 5 mm छोड़ के इसको फिल करते हैं। हमारा मिस्त्री आपको बताएगा। बताइए आप, थोड़ा बताइए, पॉइंटिंग कीजिए, बराबर पॉइंटिंग कीजिए। इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग संग पॉइंटिंग करते हैं यूसीआर मैसनरी का, स्टोन मैसनरी का। आप देख रहे होंगे इस प्रकार हम लोग संग पॉइंटिंग इसके लिए करते हैं। एक तो हम लोग भी अच्छा दिखने के लिए करते हैं, और प्रॉपर जो मोटार है ना, ये मोटार बाहर ना है, बराबर बाउंडिंग हो रखे, इसके लिए हम लोग संग पॉइंटिंग करते हैं। जो देख रहे इधर इधर फ्यूचर में इसको ऐसे हाथ लगाते हैं तो मोटार निकल रहा है, तो इस प्रकार से फिनिश करने से मोटार निकलता नहीं है। देख रहे हैं हमारा मिस्त्री कर रहा है। उसके बाद इस प्रकार हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, और इसको लेवल करने के बाद सीमेंट पानी मारते हैं। मिस्त्री थोड़ा सीमेंट पानी मार के दिखाइए आप। इस प्रकार से सीमेंट पानी मार के इसको हम लोग लेवल कर देते हैं ऐसा। वाओ, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आप भी अगर सिविल इंजीनियर हैं तो अपने साइट पे इस प्रकार से करा सकते हैं। चमक गया है तो देख रहे, पूरा ब्रश मारने के बाद पूरा प्लेन हो गया, क्लीन हो गया, और इस सब को हम लोग कपड़ा से साफ कर देंगे, जो भी इस पे मटेरियल सीमेंट का पेस्ट आ गया है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि ये वाल संग पॉइंटिंग कैसे करते हैं। तो उसका वाल ऐसे ही बनता है। कितना आपको अच्छा दिख रहा है संग पॉइंटिंग करने के बाद, वो अभी देख रहे हैं कितना बेटर दिख रहा है। दूर से दिखने में एक गजब का दिखता है। इसमें कोई वो जो बाहर का सीमेंट निकला होता है वो नहीं दिख रहा है, एकदम प्लास्टर कर दिया गया है। ऐसे ही संग पॉइंटिंग की जाती है। हमारे तो मिस्त्री काम कर रहे हैं आपके सामने। ओके, आई होप आपको संग पॉइंटिंग कैसे करते हैं आपको पसंद आया होगा, और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रबर मैसनरी, स्टोन मैसनरी कैसे करते हैं।